अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल चिकन कौरमा, जो बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली और मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हम उसके लिए आधा किलो चिकन लिया है, एक कप दही लिया है, 8 से 10 काजू और थोड़ा सा 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चम्मच अदरक लहसुन लिया है, ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने फ्राई करके रख लिया है। उसके बाद में हमने तेल में चिकन डाल दिया है और उसको डाल के अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से भून लेंगे। हमारा चिकन अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। अब हम उसमें दही डालेंगे। उसके बाद में हम प्याज और काजू और तिल का एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हम उसमें प्याज, काजू और तिल का पेस्ट डाल देंगे। और जब तक अच्छे से ये नहीं भून जाता, इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा चिकन अच्छे से भून चुका है। अब हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट तक ढक के। हमारा मज़ेदार कौरमा बनके तैयार है। अब आप इसको रोटी से या नान से सर्व करें, खाएं, खिलाएं और खुश रहें।